बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने कुछ डायग्राम्स और कुछ ग्राफ्स बनाना सीखे थे। आज की क्लास में कुछ स्टडी टेक्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ताकि हम इस चैप्टर को क्लोज कर दें और फिर हम अपने एवरेजेस की चैप्टर की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाए। अच्छा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखें। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टडी टेक्स ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए जो कि आपके पास एमसीक्यूज की शक्ल में आ सकते हैं। वो पॉइंट्स क्या है देखें। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी कैप्ट रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है, यानी कि जो क्लास इंटरवल की गिनती होगी वो क्या होगी, क्लासेस जो बनाएंगे ना आप, नंबर ऑफ क्लासेस, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो उसमें कोशिश करें कि आप 5 क्लासेस बनाएं, 6 बनाएं, 7 बनाएं, बस नंबर ऑफ क्लासेस को आप ज्यादा ज्यादा मत बढ़ाएं। कैटेगरीज जो आप बनाएं ना, जिस जिसके जरिए आप डेटा को ब्रेक करें, वो कम हो, रिलेटिवली स्मॉल हो। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी क्लासेस क्या कर दी, क्रिएट कर दी। तो ये मतलब क्या है, एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद हाँ, इनकेस अगर आपको जरूरत पड़ जाती है तो आप ज्यादा क्लास बना सकते हैं, लेकिन आमतौर पर क्लासेस जो होती हैं 5, 6, 7 इस तरह बनाई जाती है, नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर टू, इन जनरल क्लासेस शुड बी द सेम विद। हाँ भाई, यानी क्या बोला था आपको, तमाम क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल साइज के होंगे, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट तक का जो डिस्टेंस होगा वो पूरी क्लासेस के अंदर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम केस है, जैसे हमने बोर्ड वाली एग्जाम्पल ली थी, 0 से 32 वाले सारे एक कैटेगरी में, 33 से लेकर 39 वाले दूसरी कैटेगरी में, 40 से लेकर 49 फिर इक्वल आना शुरू हो गया था। तो जरूरत के तहत आप कैटेगरीज बना सकते हैं अनइक्वल साइज की भी, लेकिन जनरली क्या होती है, क्लास इंटरवल्स जो होते हैं वो इक्वल साइज के लिए जाते हैं। ठीक है जी, तो इन जनरल क्लासेस शुड बी ऑफ द सेम विथ ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल फॉर इजियर। तो अगर पेपर में सवाल आता है कि वाई क्लास इंटरवल शुड बी ऑफ द सेम विथ, विद मतलब वही साइज ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की विड्थ सेम क्यों होनी चाहिए, तो ऑप्शन आपके पास क्या होगा, फॉर वॉट, नीचे ऑप्शन होगा फॉर इजियर कंपैरिजन। इक्वल क्लास इंटरवल की कोई लॉजिक अगर वो पूछता है ऑप्शन के अंदर, तो स्टडी टेक्स वो लॉजिक क्या बता रहा है, ताकि कंपैरिजन करना क्या होता है, ताकि एक क्लास को दूसरी क्लास से कंपेयर करना क्या होता है, आसान हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे जरा आप देखें, एक अगले पेज पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अभी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 0 to 14, जवाब दें, 15 to 24, 25 to 54, 55 to 64 एंड 65 ईयर्स एंड ओवर। ये ओवर क्या है, 65 से आगे। अब 65 से कितना आगे तो बताया नहीं यहां पर, तो अगर क्लास इंटरवल आपका इस तरह शुरू होता है 14 एंड अंडर,
और आखिरी क्लास आपकी खत्म होती है कहां पर, 65 एंड ओवर। इस बात को अच्छी तरह समझिएगा। अब यहां भी आपको दिख रहा है 50 टू अंडर 100, 100 टू अंडर 200, 200 टू अंडर 300, 300 टू अंडर 500, और आखिर में क्या दिख रहा है आपको, आखिर में दिख रहा है 500 एंड ओवर। ये भी दिख रहा होगा आपको। तो ये जो आखिरी क्लास इंटरवल है जो जिसपे लिखा हुआ है 500 ओवर, 500 या उससे ऊपर, तो अब उसकी ऊपर की भी बात जरा हद डिफाइन कर। जब हिस्टोग्राम फर्ज करें, जब इस डेटा का आप हिस्टोग्राम बनाएंगे या इस डेटा का आपको कोई इस डेटा के जरिए आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी आगे चल के, एवरेज निकालनी होगी इस डेटा की, तो आपको ये ओवर की भी लिमिट डिफाइन करनी होगी कि भाई 500 एंड ओवर क्या। तो आप देखेंगे इससे पिछला वाला क्लास इंटरवल क्या है, जो 300 से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है, 500 पे खत्म हो रहा है। तो जो 300 से लेकर 500 तक का डिफरेंस है वही आप आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मतलब आप 500 ओवर लिखने के लिए क्या करेंगे, आप 500 से 700 तक का डिफरेंस क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। यानी वैसे तो डेटा में लिमिट नहीं लगी हुई, उसने लिख दिया है 500 ओवर, लेकिन बाज दफा आपको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, मिड क्लास निकालने के लिए, अगर मैं बोलता हूं बेटा आपको बोलता हूं कि मिड क्लास निकालो, बताओ मिड क्लास निकालो, तो आप मिड क्लास कैसे निकालोगे, आप मुझे बताओ। तो मिड क्लास वैसे निकल आएगी 50 से 100 तक की मिड क्लास निकल आएगी, सौ से 200 तक की मिड क्लास निकल आएगी, एक लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, 200 से 300 तक की मिड क्लास निकल आएगी, 300 से 500 तक की मिड क्लास निकल आएगी, 500 से, अब जाहिर सी बात है 500 हमें बतौर लोअर लिमिट दिख रहा है, लेकिन उसके बाद अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट ओवर लिखा हुआ रहा है 500 से कितना ऊपर। तो अगर आपको मिड क्लास निकालनी है फॉर एग्जांपल इस आखिरी क्लास इंटरवल की, तो फिर आप उसके लिए पिछले क्लास इंटरवल को देखें, जो पिछले क्लास इंटरवल का साइज है ना वही इसका साइज रिज्यूम किया जाएगा, ताकि आप बहुत सारी कैलकुलेशन क्या कर लें, परफॉर्म कर लें। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है बेटा, ये नहीं बताइए प्लीज, रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज, रिस्पॉन्स सबसे पूछ रहा हूं। अच्छा, और बेटा जब भी आपके पास डेटा इस तरह दिया हुआ 50 एंड अंडर 100, तो इसको आप जब लिखेंगे ना तो डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे, फाइव हंड्रेड। अब 500 टू 500 ओवर लिखा हुआ है, तो जनाब 500 ओवर तो लिखा हुआ है, लेकिन हिस्टोग्राम बनाने के लिए, मिड क्लास निकालने के लिए,
और बहुत सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे इसकी भी लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए मैं पिछले वाले क्लास इंटरवल को रेफर करूंगा, पिछले वाले क्लास इंटरवल को, कि पिछले क्लास इंटरवल का साइज कितना है, 200 है, तो वही साइज में इसका अज्यूम करूंगा और मैं इसको एंड कहां करूंगा बेटा, 700 पर। समझे बात को? क्योंकि मुझे मिड क्लास अगर निकालनी है तो मुझे लिमिट तो चाहिए होगी ना, तो मैं जो आखिरी क्लास इंटरवल है जिसकी जिसमें लिखा हुआ है 500 ओवर, तो उसकी अपर लिमिट निकालने के लिए मैं पिछले क्लास इंटरवल को यूज करूंगा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, क्लियर है सबको ये बात बेटा? बताइए, जवाब दीजिए। ठीक है, अच्छा एक बात ये हो गया आपसे, तो ये जो 500 ओवर लिखा हुआ है ना, इसको किताब क्या बोल रही है, जरा इसके ऊपर हम बात कर रहे थे ना, हम वापस जाते हैं उसी पॉइंट पर जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहला पॉइंट क्या था, द नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी कैप रिलेटिवली स्मॉल, कैटेगरीज जितनी मतलब क्या, ना कैटेगरीज बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो, डेटा की क्लासिफिकेशन जो होती है डेटा की जो कैटेगरी होती है, तो जो क्लासेस बनाए देखें, क्लासेस मैंने बताया था क्यों बनाए, डिसीजन मेकिंग के लिए। मैंने क्या किया था ज्यादा, पुलिस वालों के डेटा की क्या की थी, 5 कैटेगरीज बनाई थी ना अपनी जरूरत के हिसाब से, वो जो बिल्कुल फिट थे, वो जो थोड़े से अनफिट थे, वो जिनको फिटनेस के लिए मेहनत करने की जरूरत है, वो जिनको फिटनेस भी की जरूरत है और उनको फाइन भी लगाना है, और वो जिनको फिटनेस मतलब यानी कि जिनका वापस रिकवर होने का कोई चांस नहीं है, उनको जॉब से क्या कर देना, निकाल देना है। ये मैंने आपको समझाई थी सारी बातें बेटा, तो इसका मतलब क्या है, वैसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से क्लास इंटरवल बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप जनरली बना रहे हैं क्लास इंटरवल जिसमें आपके पास कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं है कि आपको कितनी कैटेगरीज बनानी चाहिए, तो फिर उस केस में आप क्या करें, रीजनेबल क्लास इंटरवल रखें, मतलब 5 क्लासेस बना लें, 6 बना लें, हद में क्या बना लें, 7 बना लें बस। तो जहां पर आपको कोई आइडिया ना हो कि कितनी क्लासेस चाहिए, उस लिए बात लिखी हुई है जनाब कि आप नंबर ऑफ क्लासेस क्या करें, रिलेटिवली स्मॉल रखें, 5 क्लासेस बनाए, 6 बनाए, 7 बनाए, ठीक है ओके। उसके बाद क्लास इंटरवल का साइज इक्वल रखें, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई नहीं होती तो क्लास इंटरवल सारे इक्वल साइज के बनाएं। अब ये बात है, जरा देखिएगा ये अल्फाज, ओपन एंडेड क्लास, मतलब वो क्लास, अब ये ओपन एंडेड क्लास क्या होती है बेटा, अभी देख कर आए हम ओवर 500, ओवर 500 हम देख कर आए कि नहीं देख कर आए, बताइए। अभी एग्जाम्पल दी आपको ओवर 500 वाली, जो जिसको मैंने आखिर में वर्कआउट करके बताया, तो ओपन एंडेड क्लास वो होती है जिसकी या तो लोअर लिमिट ना हो या फिर अपर लिमिट ना हो, जैसे 50 एंड ओवर, 50 लोअर लिमिट बन गया, अब इसकी अपर लिमिट नहीं है, 10 अंडर 10 मतलब 10 अपर लिमिट बन गया, 10 से नीचे वाली वैल्यूज की लिमिट डिफाइन नहीं हो पा रही, तो 50 एंड ओवर ओवर 50 अंडर 10, अब लिखा हुआ क्या, आर अज्यूम टू हैव द सेम विद, इनकी विद जो होगी, इनका साइज ऑफ क्लास इंटरवल होगा वो अपनी करीबी क्लास इंटरवल वाला होगा, फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, ड्रॉइंग चार्ट्स एंड परफॉर्मिंग स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन। अगर आपको मिड क्लास निकालनी है, जैसे मैंने अभी बताया 300 टू 500, उसके बाद क्या था, 500 ओवर था, तो मैंने मिड क्लास निकालने के लिए क्या किया,
500 के बाद जो मैंने अपर लिमिट लगाई वो मैंने पिछले क्लास इंटरवल के साइज को देख के लगा दी, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है। तो जब भी आपको ओवर 50 या अंडर 10 वाला कोई क्लास इंटरवल मिल जाए जिसमें आपको लिमिट लगाने की जरूरत पड़ जाए, तो जाहिर सी बात है वो लिमिट कहाँ जाके स्टॉप करेगी या वो लिमिट कहाँ से शुरू होगी, इस बात को जानने के लिए आपने पड़ोसी क्लास इंटरवल को देखना है। अगर अंडर 10 लिखा हुआ है तो आप उसके बाद वाला क्लास इंटरवल देखें, और अगर ओवर 50 लिखा हुआ है तो आप उससे पहले वाला क्लास इंटरवल देखें, ठीक है बेटा। तो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, स्टडी टेक्स्ट से इग्नोर मत कीजिएगा, इसमें भी एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो अगर पूछने वाला क्या पूछे, एग्जामिनर क्या पूछे, ओपन एंडेड क्लास क्या होती है, हम बोलेंगे ओपन एंडेड क्लास वो क्लास होती है जिसकी या तो लोअर लिमिट नहीं होती या अपर लिमिट डिफाइन नहीं होती। आसान बात या मुश्किल बात, जवाब दें। ओपन एंडेड क्लास वो क्लास होती है जिसकी या तो लोअर लिमिट डिफाइन नहीं होती या फिर अपर लिमिट डिफाइन नहीं होती। सही, अच्छा जी। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास, द एंड लिमिट्स ऑफ द क्लासेस मस्ट बी अनएम्बिगुअस। फॉर एग्जाम्पल 0 to 10 एंड 10 to 20 लीव्स इट अनक्लियर। ये मैं ये पढ़ रहा हूं, आखिरी बुलेट पढ़ रहा हूं, द एंड लिमिट्स ऑफ द क्लासेस मस्ट बी अनएम्बिगुअस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 0 to 10 एक क्लास मानते हैं और 10 से 20 अगली क्लास मानते हैं, लीव्स इट अनक्लियर इन विच 10 वुड अपियर। जैसे अभी मैंने आपके सामने 50 से 100 लिखा, 100 से 200 लिखा, तो अब यहां पर है कि 100 कौन सी क्लास में फॉल करता है, फर्स्ट या सेकंड। तो जब क्लास इंटरवल ऐसे बनता है 50 से 100, 100 से 200, आमतौर पर बनना चाहिए 50 से 99, फिर 100 से 199, फिर 200 से 299, ऐसे बनना चाहिए। लेकिन अगर इत्तफाकन आपको क्लास इंटरवल वैसे दिया जाता है जैसे मैंने बनाया हुआ है 50 से 100, 200 से 100 से 200, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्लास इंटरवल ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या बोलेंगे इसको। फिर इसमें ये एक वक्त में क्लास इंटरवल भी और क्लास बाउंड्री भी है, इसकी मजीद कोई क्लास बाउंड्री निकालने की जरूरत नहीं होगी। यस और नो बताइए बेटा, इसमें फिर मजीद कोई क्लास बाउंड्री निकालने की जरूरत नहीं होगी। क्लास बाउंड्री वहां निकलती है जहां पर एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू में क्या हो, गैप हो। जब एक क्लास 100 पे खत्म हो रही है, 100 से शुरू हो रही है, तो फिर ये गैपलेस हो गया, ऑलरेडी गैपलेस है। जब ऑलरेडी गैपलेस है तो फिर आपको मजीद कोई क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपका 0.5 वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा, मतलब अगर आप तमाम लोअर लिमिट में से 0.5 लेस कर दें और तमाम अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दें तो ये गलत हो जाएगा। वो जुगाड़ आपका जो था ना क्लास बाउंड्री बनाने वाला, वो यहाँ फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्लास बाउंड्री की जरूरत ही नहीं है। क्यों, तो अब इससे मुतालिका क्या बोल सकते हैं, अगर कोई क्लास इंटरवल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, अगर कोई क्लास इंटरवल जिस लिमिट पे खत्म होता हो उस लिमिट से शुरू होता हो तो ऐसा क्लास इंटरवल क्या कहलाएगा, हम बोलेंगे इसको एम्बिगुअस कहलाएगा। एम्बिगुअस ये हमें कंफ्यूज करेगा, जवाब दें, ये हमें कंफ्यूज क्यों करेगा, क्योंकि अगर ये क्लास इंटरवल जिस लिमिट पे खत्म हो रहा है अगर उसी लिमिट से शुरू होगा तो हमें एक कंफ्यूजन होगा कि जो एंडिंग लिमिट है उस किसी भी क्लास की और जो ओपनिंग लिमिट है दूसरी क्लास की वो सेम है, तो 100 फर्स्ट क्लास में फॉल करेगा सेकंड क्लास में, 200 फर्स्ट क्लास में फॉल करेगा या थर्ड क्लास में, सेकेंड क्लास में फॉल करेगा थर्ड क्लास में, 300 फोर्थ क्लास थर्ड क्लास में फॉल करेगा या फोर्थ क्लास में, तो ये एक एम्बिगिटी आ गई, मतलब एक कंफ्यूजन आ गई, ठीक है। अगर डेटा कंटिन्यूस है तो फिर तो ऐसा करना ठीक है, अदरवाइज
अगर डेटा कंटिन्यूस नहीं है तो पहले तो आप क्लास इंटरवल वैसे ही बनाएं 50 to 99, 100 to 199, तो गैप रखें, फिर जहां गैप खत्म करना वहां क्या बना लें, क्लास बाउंड्रीज बना लें। लेकिन अगर डेटा मतलब अगर आपने ऑलरेडी क्लास इंटरवल गैपलेस बनाया है तो आपको मजीद क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ बड़े सारी बातें आप समझ रहे होंगे। जवाब दीजिए। सही है। ये कुछ सवालात भी आए थे मेरे पास शेल टैक्स के हवाले से, ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने रख भी दिया और आप सबको पढ़ा भी दिया। अब मैं वापस आता हूं किस पर, हिस्टोग्राम पर। ठीक है, मैं अब लिखवा चुका हूं सारे पॉइंट। हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफ है किसका, ग्रुप डेटा का और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो बार चार्ट्स और हिस्टोग्राम में क्या करते हैं कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बार चार्ट्स जो हैं वो सिंपल डेटा के बनाए जाते हैं और हिस्टोग्राम जो है वो क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के जरिए बनाया जाता है। मतलब बार चार्ट्स जो हैं वो जरूरी नहीं है उसमें कोई लोअर और अपर लिमिट हो, बार चार्ट्स डायरेक्टली बगैर लोअर और अपर लिमिट के बनाए जाते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम के लिए लोअर और अपर लिमिट होना जरूरी है और गैपलेस रेक्टेंगल बार्स होंगे, ये खास बात है। लेकिन जो आम तौर पे बार चार्ट्स होते हैं उनमें एक बार से दूसरी बार के दरमियान क्या होता है, गैप होता है। ठीक है जी, तो ये फर्क है आपके सामने। अब ये सारी बातें और जो मैंने आपको कहा था पढ़ने के लिए, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता पढ़ा आप लोगों ने इस चीज को जो मैंने इस पेज को पढ़ने के लिए कहा था, आप में से कितने लोगों ने पढ़ा इस पेज को बताइए, आप में से कितने लोगों ने स्टडी किया इस पेज को बेटा। जवाब दे बेटा। देखो बेटा, अब मैं आपके सामने एक कैटेगरी यहां बना के दिखा रहा हूँ, कुछ क्लास इंटरवल बना रहा हूँ, जरा उसको देखना।
ठीक है जी, ये आपके सामने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी। कितनी कैटेगरीज बनाई बताएं मुझे आप जरा, कितनी कैटेगरीज बनाई मैंने आपके सामने? छह। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? 20 to 30। व्हाट इज द साइज और विड्थ ऑफ फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास का विड्थ कितना है? विड्थ मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक का फासला कितना है? 10। वेरी गुड। सेकंड क्लास का विड्थ कितना है? सेकंड क्लास का विड्थ कितना है? 10 है। थर्ड क्लास का विड्थ कितना है? 10 है। फोर्थ क्लास का विड्थ कितना है? 10 है। फिफ्थ क्लास का विड्थ कितना है? 20। तो मतलब क्या हुआ, फिफ्थ क्लास बाकी चार क्लासों के मुकाबले में क्या है? ट्वाइस है, डबल है कि नहीं है? तो अब क्या करना होगा, हिस्टोग्राम बनाते वक्त मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय टू कर देना है, क्योंकि ये मेरी नॉर्मल क्लास से डबल क्लास है। तो मैं हिस्टोग्राम बनाते वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी को 16 नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा? 8 लिखूंगा। ठीक है। अच्छा, आखिरी क्लास क्या जरा बताओ, आखिरी क्लास जो है वो उसका साइज क्या है बताओ? 30। तो ये 30 जो है मेरी नॉर्मल क्लास से क्या है? थ्राइस है। मतलब मेरी नॉर्मल क्लास का साइज जो है वो 10 है, तो 30 10 का क्या है? 3 टाइम्स है। यस और नो? ठीक है, जब 30 नॉर्मल क्लास इंटरवल का जो है वो 3 टाइम्स है, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 3 करके कितना लिखूंगा? 5 लिखूंगा। यानी मुझे अगर अगर मुझे अनइक्वल साइज के क्लास इंटरवल दिए जाते हैं, तो मुझे हिस्टोग्राम बनाते वक्त क्या करनी है? फ्रीक्वेंसी में एडजस्टमेंट करनी है। सवाल है क्यों करनी है? तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, आप मुझे जवाब दें। अगर ये क्लास इंटरवल सारे इक्वल साइज के होते हैं, बना रहा हूं मैं आपके सामने 20 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, जवाब दें 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 100 or 101 to 110। उसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्लास इंटरवल है आपका, कौन सा वाला? 61 से 80 वाला, ये आपके नॉर्मल दो क्लास इंटरवल्स के बराबर है। यस और नो बताइए। और ये जो क्लास इंटरवल है आपका 81 से लेकर 110 वाला, ये आपके नॉर्मल तीन क्लास इंटरवल्स के बराबर है। ऐसा है कि नहीं बताइए, बोलिए बेटा। अच्छा, अब जब मैं लिखता है इनकी फ्रीक्वेंसी, तो यहां तो फ्रीक्वेंसी 5 आ जाती जैसे है, यहां 10 आ जाती, यहां 15 आ जाती, यहां 20 आ जाती, लेकिन वहां पर 61 से 80 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है? वहां पर 61 से 80 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16 है। तो अगर मैंने 61 से 80 वाली क्लास को दो हिस्सों में तोड़ दिया है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 8 फ्रीक्वेंसी देनी होगी पहली क्लास को और 8 देनी होगी दूसरी क्लास को। यस और नो? ताकि 8 और 8 मिलके क्या हो जाए? 16 हो जाए। क्या कहते हैं? इस तरह अगर 81 से 110 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है, लेकिन अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी को तीन
दस दस वाले क्लास इंटरवल के बराबर मानता हूं तो मतलब क्या हुआ, फिर हर क्लास को कितनी वैल्यू होगी, फाइव फाइव एंड फाइव। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अगर क्लास इंटरवल नॉर्मल क्लास इंटरवल के साइज से ज्यादा है तो फिर आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे, और अगर क्लास इंटरवल नॉर्मल क्लास इंटरवल से कम है तो फिर आप क्या करेंगे, जो टाइम्स का डिफरेंस है उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मिसाल के तौर पर एक क्लास इंटरवल नॉर्मल क्लास इंटरवल का ट्वाइस है तो फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को टू से डिवाइड कर दें, और अगर एक क्लास इंटरवल नॉर्मल क्लास इंटरवल का आधा है तो फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को टू से मल्टीप्लाई कर दें, और बना ले क्या बेटा, हिस्टोग्राम। सही है, कोई इश्यू तो नहीं है, बन जाएगा ना आप हिस्टोग्राम, बताइए। तो जो आपसे बोला था मैंने वो आपके सामने डिस्कस कर लिया मैंने आपके सामने, कोई सवाल तो नहीं है किसी का, अभी हैंड रेज हुआ है जी, बोलिए। तो ये सारी बातें आपके सामने आ गई बेटा। अब अगर आप यहां देख लेते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके लिए, तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक क्लास इंटरवल को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। द साइज ऑफ द क्लास साइज एडजस्टमेंट इज ऑलवेज द स्टैंडर्ड क्लास डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द क्लास अंडर कंसिडरेशन। जी बेटा फजल, क्या कह रहे हैं, सवाल है कोई? फाजुल है बेटा, सवाल है कोई? बोलिए। क्या गैपलेस तो नहीं है? वो तो क्लास बाउंड्री बनाएगी ना बेटा, अल्लाह के बंदे को तो जब बना, जब डायग्राम थोड़ी बनाया है मैंने, मैं तो अभी डिस्कशन कर रहा हूँ सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर। ऑब्वियसली जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना होगा ना बेटा, वो तो अंडरस्टूड बात है हमारी, है ना? ओके, सही है। अच्छा जी, तो जब आप अनइक्वल साइज के क्लास इंटरवल देखें तो आपको क्या करना है, जैसे आपने माना नॉर्मल क्लास, तो आपने कहा नॉर्मल क्लास जो है उसका साइज हमारा 10 था, नॉर्मल क्लास या स्टैंडर्ड क्लास। तो जिस जो क्लास साइज सबसे ज्यादा दिखाई दे उसको स्टैंडर्ड मान लें, ठीक है जी। अब आप एबनॉर्मल क्लास का थी आपकी, जैसे 20 थी ना, तो ये आपकी वो एबनॉर्मल क्लास है जिसको, जिसकी फ्रीक्वेंसी को आपने डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, तो आप एबनॉर्मल क्लास के साइज को डिवाइड करें किससे, नॉर्मल क्लास के साइज से, तो आपको 2 मिल जाएगा। तो क्या पता लगा कि ये आपकी एबनॉर्मल क्लास नॉर्मल क्लास का क्या है बेटा, दुगना है। तो क्या करें, अब इसकी फ्रीक्वेंसी को, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड कर दें। इस तरह जो हमारी आखिरी क्लास थी उसका साइज क्या था, 30 था, और 30 हमारी नॉर्मल क्लास का क्या था, थ्राइस था। तो हमने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को 3 से डिवाइड कर दिया। अगर ये अगर कोई क्लास हमारी नॉर्मल क्लास से क्या होती, छोटी होती, मतलब अगर एबनॉर्मल क्लास का साइज हमारी नॉर्मल क्लास से क्या होता, हाफ होता, तो 5/10 का क्या है, हाफ है, आंसर क्या है, 1/2 आया। तो हम क्या करते, उसकी फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर अगर एक एबनॉर्मल क्लास नॉर्मल क्लास से दुगनी है, बड़ी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाएगा इस तरह, फ्रैक्शन बनाने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे। और अगर एक एबनॉर्मल क्लास नॉर्मल क्लास से क्या है, साइज में कम है, तो फिर उनकी फ्रीक्वेंसीज को, जो रिलेशनशिप है एबनॉर्मल और नॉर्मल क्लास की, जो वैल्यू आ रही है, जैसे 1/2 आ रही है, तो उससे क्या पता लग रहा है जनाब, कि एबनॉर्मल क्लास नॉर्मल क्लास का हाफ है।
तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, क्लियर याद रहेंगी सारी बातें बेटा आप लोग। अब आप देख लें जरा इधर, इधर जो यहाँ पे स्टडी टेक्स्ट में एग्जांपल दी गई है इसको कवर कर लें। तो सबसे पहली क्लास क्या है बेटा, सबसे पहली क्लास क्या है, 50 टू अंडर 100, 50 से लेकर 100 तक, फिर 100 से 200 तक, फिर 200 से 300 तक, फिर 300 से 500 तक, और फिर 500 और उससे ओवर। तो पहली क्लास जो 50 से 100 तक है उसका साइज क्या है, 50 है, यस और नो? पहली क्लास जो 50 से 100 तक है उसका साइज 50 है। सर 50 नहीं 51 है, क्या कहते हैं, 50 या 51 है बताइए। जो पहली क्लास है 50 से 100 तक की उसका साइज 50 या 51 है बताइए। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता ना, अब सुने मेरी बात को, अगर अगली क्लास 100 से शुरू ना होती, अगली क्लास 101 से शुरू होती, तो फिर 50 से लेके 100 तक में 100 भी काउंट होता, लेकिन ये अंडर 100 है, इट मीन इसमें 100 काउंट नहीं हो रहा। तो अगर मैं भले इसको 50 से 100 लिख भी दूं तब भी मैं 100 काउंट नहीं करूंगा, तो इसका साइज 50 रहेगा, 50। लेकिन अगर मैं इसको 50 से 100 लिखता और अगली क्लास 101 से शुरू करता तो फिर मुझे इसका साइज कितना मानना पड़ता, 51 मानना पड़ता, 51 मानना पड़ता ना, क्योंकि जब मैं 100 में से 50 माइनस करूंगा तो आंसर 50 आएगा, तो फिर कोई एक वैल्यू काउंट नहीं हुई, उसको काउंट करवाने के लिए मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 50 से 100 पे क्लास इंटरवल बनाता हूं और अगली क्लास भी 100 से शुरू करता हूं तो इसका मतलब यह है कि फिर मुझे 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, पर साइज कितना होगा, 50। तो जरा देख लेते हैं इस बात को, समझ लेते हैं यहां पर। तो यहां पे लिखा हुआ भी आ रहा है आपके पास, पहली क्लास का साइज कितना है, 50 है, दूसरी क्लास का साइज कितना है, 100 है, तीसरी क्लास का साइज कितना है, 100 है, चौथी क्लास का साइज कितना है, 200 है, और पांचवी क्लास का साइज भी कितना है, 200 है क्या नहीं बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। अब जब क्लास इंटरवल मुख्तलिफ साइज के दिख रहे हैं तो उसमें एक क्लास को स्टैंडर्ड मान लें, तो ज्यादा बेहतर है कौन सी क्लास को स्टैंडर्ड माने, 100 वाली, 100 को हमने स्टैंडर्ड मान लिया तो क्या हुआ, तो ये दो क्लासेस जो थी वो नॉर्मल क्लास से क्या थी, ट्वाइस थी। तो हमने क्या किया, इनकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 2 कर दिया, मतलब 16 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो हिस्टोग्राम बनाते वक्त हमने इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 रखनी है, 16 नहीं रखनी। अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 8 थी, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दिया, आंसर क्या आया, 4 आया। तो हिस्टोग्राम बनाते वक्त हमने क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 रखनी है। अच्छा, और जो फर्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है और 50 100 का क्या है, आधा है, हाफ है। तो हमने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो हिस्टोग्राम बनाते वक्त हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को कितना रखना है, 10 रखना है। तो ये एडजस्टमेंट है किसमें, हाइट में, हाइट में, किसकी हाइट में, बार्स की हाइट में, कि बार की हाइट जो है वो आमतौर पर तो फ्रीक्वेंसी के बराबर ली जाती है, लेकिन जब क्लास इंटरवल इक्वल साइज के ना हो तो फिर स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल को सामने रखते हुए बाकी बाकी क्लास इंटरवल्स के जो फ्रीक्वेंसी है उनमें क्या की जाएगी, एडजस्टमेंट की जाएगी। ये सारा डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया बेटा यहाँ पर,
उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक डायग्राम और अब हमने सीखना है। उसके लिए पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, क्लास इंटरवल। हंड्रेड वन टू हंड्रेड एंड टेन, 111 टू 120, 121 टू 130, 131 टू 140, 141 टू 150 फ्रीक्वेंसीज, 5, 8, 17 10, 5, ये फ्रीक्वेंसी बन गई। तो फ्रीक्वेंसी किस बात को रिप्रेजेंट कर रही होती है जरा बताइए मुझे। 110 से लेकर 101 से लेकर 110 के दरमियान डेटा में कितनी ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट करती है? 5, यस और नो? मतलब जो 101 से लेकर 110 तक की रेंज है, इस रेंज में आपके डेटा की कितनी ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट करती है? 5 करती है। 111 से लेके 120 तक कितनी करती है? 8 करती है, यस और नो? लेकिन अगर मैं पूछूं आपको कि बताइए 101 से लेकर 120 तक कितनी ऑब्जर्वेशन फॉल करते हैं, क्या जवाब होगा आपको? 12, 17, 5 और 8 का सम क्या होता है? 5 और 8 का सम 17 होता है। 5 और 8 का सम 17 होता है या 12 होता है? पांच और आठ का सम 12 होता है, 13 होगा ना? 30, हाउ? मैं बोल रहा हूं 101 से लेके 120 तक, 130 तक थोड़ी बोला मैंने, 101 से लेकर 120 तक टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? तो फ्रीक्वेंसी को लिखने का एक तरीका और है, उसको बोलते हैं सीएफ। सीएफ स्टैंड फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव का मतलब क्या है? सम करना। अब जरा देखिएगा, 101 से लेके 110 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है। लेकिन 101 से लेकर 120 तक फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 13। मतलब आपने 5 में क्या कर दिया? 8 प्लस कर दिया। आपने 5 प्लस कर दिया किसमें? 8 में, आपको 13 मिल गया। जवाब दें, सही है? अच्छा, अगर मैं बोलता हूं 101 से लेकर 130 तक
101 से लेकर 130 तक कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी, जवाब क्या होगा? तो क्या कर दें आप, अब आप क्या करें, 13 ऐड कर दें किसमें, 17 में, ये 17 ऐड कर दें किसमें, 13 में, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 30। उसके बाद अगर मैं बोलूं 101 से लेके 140 तक कितनी फ्रीक्वेंसी से, तो आप 10 ऐड कर दें, आपको जवाब मिल जाएगा 40। और मैं अगर बोलता हूं पूरी 101 से लेकर 150 तक टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, तो आप 5 ऐड कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा 45। इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं, CF स्टैंड्स फॉर कमुलेटिव, ठीक है जी। अब एक सवाल करता हूं आपसे, बताइए आपके जो इंटर के मार्क्स थे, आपके जो इंटर के मार्क्स थे उसमें फर्स्ट ईयर के मार्क्स शामिल थे? आपके जो इंटर के मार्क्स थे उसमें फर्स्ट ईयर के मार्क्स शामिल थे? तो इसका मतलब क्या था, आपके इंटर के मार्क्स कमुलेटिव थे, कमुलेटिव, कमुलेटिव मतलब जिसमें प्रीवियस वैल्यू भी क्या हो, शामिल हो। सही है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। बताइए, ओके। अब उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो और तरीकों से बनाई जाती है, और दो तरीके और हैं उसको बनाने के मजीद, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो बनाने के लिए पहले आपको क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ेगी। क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज हंड्रेड पॉइंट फाइव से लेकर 110.5 से लेकर 120.5 से लेकर 130.5 से लेकर 140.5 से लेकर 150.5, ठीक है। अब हम एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीखने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं लेस देन CF, यानी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन 100.5, लेस देन 110.5, लेस देन 120.5, less than 130.5,
लेस देन 140.5, लेस देन 150.5, ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या है? अब सवाल क्या है आपसे? क्लास इंटरवल को अगर आप गौर से देखें तो क्लास इंटरवल आपका सबसे पहले शुरू हो रहा है 101 से, यस और नो? क्लास इंटरवल आपका शुरू हो रहा है 101 से, यस और नो? और क्लास बाउंड्री आपकी शुरू हो रही है 100.5 से, यस और नो? अब आप मुझे बताइए, 101 जो है, 101 जो है वो 100.5 के बाद आता था, बाद आएगा या उससे पहले आएगा? एक सौ एक जो होगा वो 100.5 के बाद आएगा या उससे पहले आएगा? तो गिनती करते वक्त आप क्या क्या पढ़ेंगे पहले, 100.5 पहले पढ़ेंगे या 101 पहले पढ़ेंगे? तो 101 जो होगा वो 100.5 के बाद आएगा ना? जवाब दें। तो 100.5 के बाद और 110.5 से पहले आपके पास क्या, मतलब आपने क्या किया था, तो अपनी क्लास इंटरवल की लोअर और अपर लिमिट को इंक्लूसिव कर लिया था। तो मतलब 100.5 के बाद और 110.5 से पहले आपके पास क्लास इंटरवल में 101 से लेकर 110 की रेंज मौजूद है, और ये रेंज कितनी वैल्यूज फिल कर रही है, 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 5 हुई। लेकिन क्या आपके पास कोई क्लास इंटरवल के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो 100.5 से भी लेस देन हो? आपका क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है 101 से, तो क्या आपके पास क्लास इंटरवल में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो 100.5 से भी लेस देन हो? देखिए, थोड़ी थोड़ी काबिले गौर बात है, मुश्किल बात है, आप लोगों को गौर करना पड़ेगा इस बात पर। क्या कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो 100.5 से लेस देन हो? मतलब इस डेटा की जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो 100.5 के बाद फॉल करती है, उससे पहले फॉल करती है? भाई 101 100.5 के बाद ही आएगा ना, तो क्या 100.5 से पहले कोई वैल्यू मौजूद है? क्या डेटा में 99 है? क्या डेटा में 100 है? तो क्या डेटा में कोई ऐसी वैल्यू है जो 100.5 से लेस देन हो? नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो 100.5 से लेस देन हो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? जीरो है। उनकी फ्रीक्वेंसी जीरो है। लेस देन 100.5 वाली वैल्यूज इस डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यस और नो? अच्छा, लेस देन 110.5, तो क्या डेटा में 110.5 से लेस देन वैल्यू एग्जिस्ट करती है? जरा बताइए, 110.5 से लेस देन वैल्यू क्या है? 110 है। तो क्या 110 हमारे डेटा में मौजूद है, हमारे क्लास इंटरवल में मौजूद है? 110 भी लेस देन 110.5 है, 109 भी है, 108 भी है, 107 भी है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 110.5 से लेस देन जो ऑब्जर्वेशन हमारे डेटा में मौजूद है वो 101 से लेके 110 के दरमियान है। तो ऐसी कितनी ऑब्जर्वेशन है? 10 का है, 5 है ना? रेंज थोड़ी पूछ रहा हूं, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं, फ्रीक्वेंसी 5। तो
डेटा में कितनी ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो 110.5 से क्या हो, लेस देन हो. अच्छा जी, लेस देन 120.5. तो 120.5 से लेस देन क्या हुआ, 120 हुआ. जवाब दें, लेस देन 120.5 का मतलब क्या हुआ, 120.5 से लेस देन क्या हुआ, 120 हुआ. अब 120 से आप कितना नीचे जा सकते हैं, 101 तक. तो 101 से लेकर 120 के दरमियान कितनी ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट करती हैं, 5 और 8 मिलके कितनी हो गई बेटा, 13. अब 120 से नीचे जाए ना, जहां तक जा सकते हैं, तो 120 से नीचे जाए तो कहां तक जा सकते हैं, 101 तक. भाई लेस देन का मतलब क्या है, कोई लिमिट डिफाइन हुई है, नहीं हुई. तो अगर आप लेस देन 120.5 देख रहे हैं तो आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाइए, आगे बताइए. ऐसा ही है ना. उसके बाद आप लेस देन 130.5 बोलिए, तो 130.5 से लेस देन क्या है, 130 है. अब आप 130 से नीचे जाइए, जब आप 130 से नीचे जा सकते हैं तो कहां तक जा सकते हैं, 101 तक. तो 101 से लेकर 130 के दरमियान कितनी ऑब्जर्वेशन है, 30. लेस देन 140.5, 140.5 से नीचे जाइए तो 140 मिलेगा, और उसको नीचे ले जाते जाइए तो कहां तक पहुंचेंगे आप, 101 तक. तो 101 से लेकर 140 के दरमियान कितनी ऑब्जर्वेशन है, 40. और इन द एंड लेस देन 150.5, तो जवाब क्या होगा, 45. तो बेटा लेस देन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. जो ऊपर देखो आप, फर्क किसका है, सिर्फ एक जीरो का है. लेस देन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक जीरो इजाफी लग गया है, बाकी उसका आंसर वही आता है जो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आता है. यस और नो, 5, 13, 30, 40 एंड 45. ठीक है. अब इस तरह फिर एक और बनती है, उसको हम बोलते हैं मोर देन सीएफ. मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब मोर देन सीएफ, हंड्रेड फाइव पॉइंट फाइव मोर देन. More than 110.5, more than 120.5, more than 130.5, more than 140.5, and finally more than 150.5. अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रीड करें लेस देन वे में या मोर देन वे में, तो क्या आप, आपको मोर देन वे में रीड करना आ रहा है. तो डेटा में कितनी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो 100.5 से मोर देन है, मतलब 100.5 से वैल्यू क्या है आगे, कितनी है, 45. बेहतरीन बात कर दी, मतलब 100.5 से आगे जाना है तो कहां तक जाओगे, 101 से लेकर 150 तक. सही है. अच्छा जी, ये बताओ मोर देन 110.5 अब कितनी ऑब्जर्वेशन है, 40. क्यों, आपको 110.5 से आगे जाना है, तो 110.5 से आगे क्या, 111. तब आप 111 से 150 तक वैल्यूज काउंट कर लें, 40. यानी मतलब
आप इस वाले 5 को छोड़ दें बस, खाली इसको काउंट ना करें। मोर देन 120.5? नो नो, रॉन्ग आंसर। थर्टी आंसर नहीं है। सोचे कैसे, आप क्या कर रहे हैं, खाली उसका रिवर्सल परफॉर्म कर रहे हैं। ये तुक्के मत लगाए ना, देखें कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे आप। आप उसका रिवर्सल परफॉर्म ना करें ना, आप वहां से देख के कर रहे हैं कि उसका उलट हो जाएगा। उलट नहीं है ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये आप लोग जुगाड़ जो करते हैं ना, मुनासिब बात नहीं है। मैं भी आपको एक एक बात ठहर के समझा रहा हूँ, आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ ये सोचो 120.5 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 121। तो आप बताओ डेटा को देखकर 121 से लेकर 150 के दरमियान तुम्हारे पास कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं? तुम्हारे पास 17 है, 10 है और 5 है, तो 17, 10 और 5 का सम क्या होगा? यानी इसका मतलब क्या, अगर तुम 17, 10 और 5 को काउंट करना चाहते हो तो फिर तुम 8 को और 5 को काउंट करना नहीं चाहते। तो 45 में से 5 तो पहले ही माइनस हुआ हुआ है, अब क्या कर दो, 40 में से 8 माइनस कर दो, बचेगा आंसर 32। 32 आंसर आएगा। नहीं फंस जाते हो बेटा, मसला ये। उसके बाद मोर देन 130.5 का मतलब क्या है, अब आपको 131 से लेकर 150 तक की ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो 131 से लेकर 150 तक के दरमियान कितनी वैल्यूज मौजूद है, 10 और 5, 15। या तो 32 में से 17 माइनस कर दो, 32 माइनस 17 तब भी आंसर 15 आएगा, या जो रेंज आगे आ रही है उसका सम कर लो तब भी आंसर 15 आएगा। मोर देन 140.5, तो 140.5 से आगे जो है वो क्या है, 141 है, 141 से 150 की तरफ कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5, तो आंसर 5 आ गया। तो 15 में से 10 माइनस कर लो, ये आखिरी डायरेक्ट आंसर देख लो। और मोर देन 150.5, क्या 150.5 से आगे कोई क्लास इंटरवल है आपके पास? आपका क्लास इंटरवल तो फिनिश हो गया 150 पर, तो आगे कोई भी क्लास इंटरवल हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। तो एक बार हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को पढ़ा लेस देन वे में, और एक बार पढ़ा हमने मोर देन वे में। तो अगर मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दूं वाई एक्सिस पर और क्लास बाउंड्रीज प्लॉट कर दूं एक्स एक्सिस पर, तो एक डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम को बोलते हैं ऑजाइव। और ऑजाइव दो हैं, एक लेस देन ऑजाइव है और एक मोर देन ऑजाइव है। लेस देन ऑजाइव इज टेकिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन लेस देन वे, एंड मोर देन ऑजाइव इज टेकिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन मोर देन वे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करें बेटा कहां पर, वाई एक्सिस पर, और क्लास बाउंड्री प्लॉट करें कहां पर, एक्स एक्सिस पर। अब जो रिलेशनशिप बनेगा उसका नाम क्या कहलाएगा, ऑजाइव, उसको जरा आप बना के देखिएगा। सब लोग बना पाएंगे, ऑजाइव बना लेंगे, जवाब दें। ठीक है जी, तो इसको यहाँ पे स्टॉप करूंगा, बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे आपसे। तकरीबन ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।